और चलिए हमारे सहयोगी अमित शुक्ला हमारे साथ फील्ड से जुड़े हुए लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ओवर टू यू अमित। लेकिन उस वक्त आप देखिए मेन गेट पर मीडिया का जमावड़ा और इसी गेट से राहुल गांधी को बाहर निकलना है किसी भी वक्त। आपको सोनिया गांधी नजर आ रही होंगी। सोनिया इस वक्त गेट के उस तरफ मौजूद हैं जो कि यहां से सांसद रही हैं। 2004 से लगातार वो जीतती रही हैं। आज उनके लिए खास मौका क्योंकि अब राहुल गांधी उनकी विरासत को रायबरेली से आगे बढ़ाएंगे। नॉमिनेशन पूरा हो चुका है, किसी भी वक्त पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े चेहरे इसी गेट से बाहर निकल सकते हैं, मीडिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। इस वक्त राहुल के मन में जो चल रहा है वो बात वो रखेंगे, साथ ही साथ जो अटैक किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से अमेठी छोड़ने को लेकर उस पर वो क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सुरक्षा यहां पर बेहद कड़ी है और किसी भी वक्त आप देखिए इस गेट से वो बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल गेट के उस तरफ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े चेहरे मौजूद हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा तेलंगाना के सीएम, इसके अलावा बाकी नेता भी केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। अब किसी भी वक्त वो बाहर निकल सकते हैं और रायबरेली जो कि सोनिया गांधी की परंपरागत सीट है उस सीट से राहुल के चुनाव लड़ने के मायने क्या है, कांग्रेस पार्टी संदेश क्या देना चाहती है और जिस रणनीति का जिक्र कांग्रेस पार्टी बार बार कर रही है क्या है वो रणनीति, बिल्कुल क्या मायने हैं इसके, इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे कि राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर क्यों रायबरेली आना पड़ा, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। फराज किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं और प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहेंगे और फील्ड से हमारे सहयोगी अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल सुधा मिश्रा जी आप ही से, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा यही हो रही है कि अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों जाना पड़ा राहुल गांधी को। अमित शाह कह रहे हैं कि 20 बार तो लॉन्च कर चुकी हैं सोनिया गांधी, अब 21वीं बार लॉन्च किया है और उसमें भी फेल हो जाएंगे। मैम जो आपका प्रश्न है और जो अमित शाह जी हमारे बड़े पद पे संवैधानिक पद पे बैठे हैं और उन्हें यही नहीं पता कि राहुल गांधी जी जनता के द्वारा चुने हुए सांसद हैं। जब से मोदी जी की राजनीतिक पारी शुरू हुई है वो विधायक थे और हमारे राहुल जी सांसद, और जिसको यही ना पता हो कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनाया गया जो व्यक्ति है आप उसके बारे में जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ये दिखाता है कि आप कतई भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। लेकिन वजह क्या रही सुधा जी, वजह क्या है इसके पीछे? वजह बताती हूँ, मैं आ रही हूँ। आपने स्टार्ट किया अमित शाह जी ने क्या कहा, मैं उसी का पहले उत्तर दे दूं कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये नहीं जानता है कि जो सांसद है उसे लॉन्च नहीं करते, जनता चुनती है। लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे ऐसे बोलने गए बयानों पे कोई बात नहीं करेंगे, आप प्रश्न हमसे करेंगे हम उसका भी उत्तर देंगे। ये लॉन्चिंग यान, क्या सांसद बनने के लिए कुछ यान की लॉन्चिंग की जाती है कि जनता चुनती है? तो इस तरह के अमेठी से चुना था सुधा जी, वहां से क्यों, वहां से क्यों सीट क्यों चेंज करनी पड़ी, ये सवाल था मेरा। गुजरात की जनता ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितनी बार इनको बनाया था विधायक, मोदी जी क्यों भाग के बनारस में आ गए आप लोगों ने पूछा क्या? अरे भाई चुनाव लड़ने का हमें संविधान अधिकार देता है, अमेठी से हो रायबरेली से हो, हमने पहले कहा था कि हमने होमवर्क दे रखा है भाजपाइयों को और ये होमवर्क में फेल हो गए, ये अपना होमवर्क भी नहीं कर पाए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस होमवर्क में भाजपा के लोग टोटली फेल्ड हो गए, सभी फेल है। क्योंकि इनको इन्होंने अच्छा किया क्योंकि अपना प्रत्याशी तो कल शाम को घोषित किया और प्रश्न हमसे करते रहे, और अगर उसी प्रत्याशी को फिर टिकट देना था तो किस चीज का वेट था भाई, हम अपनी रणनीति के तहत अपने काम कर रहे थे। लेकिन इनके जो अनर्गल प्रश्न है आप उसमें देखिए हास्यास्पद स्थिति, खुद गुजरात से आएंगे, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया इनको विधायक चुनके, लेकिन वहां से भाग के आ गए बनारस, उस पर कोई प्रश्न नहीं होगा। हमारे राहुल जी अगर अमेठी से रायबरेली लड़ जाएंगे इस पे बड़े प्रश्न हो रहे हैं, क्यों प्रश्न अगर करना है तो बराबरी करिए ना। लेकिन आपको लगता है सुधा मिश्रा जी, पिछली बार सोनिया गांधी लड़ी थी 2019 में लोकसभा का चुनाव और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया था, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर था, आपको लगता है कि उस तरह का परफॉर्मेंस यहां पर राहुल गांधी का रह पाएगा, क्योंकि पुश्तैनी सीट रही है ये कांग्रेस की कह सकते हैं या फिर नेहरू और गांधी परिवार की, तो लगता है आपको कि उस लेवल का परफॉर्मेंस हो पाएगा? देखिए जहां तक परफॉर्मेंस की आप बात कर रही हैं, इतने डरे हुए हैं सत्ताधारी लोग, हम लोग तो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं जिनको जनादेश नहीं मिला था,
फिर भी जनता हमारे साथ खड़ी है और प्रश्न कर रही है सरकार से कि किया क्या। अच्छा, आपका ये कहना है, आपका ये कहना है? नहीं, मेरा कहना नहीं है, ये जनता कह रही है। जनता से वो रायबरेली क्यों आए, इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा था। नॉमिनेशन के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमेशा की तरह राहुल गांधी एक बार फिर से यहां से चुप होकर आगे के लिए जा चुके हैं। अब देखना होगा क्या आगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं, लेकिन फिलहाल नॉमिनेशन के बाद उन्होंने यहां पर एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी बात नहीं रखी। बीजेपी की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर भी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। रायबरेली से बड़ी तस्वीर, बड़ा अपडेट यही है कि राहुल गांधी नॉमिनेशन कर चुके हैं, यहां से जा चुके हैं, मुकाबला दिनेश प्रताप सिंह से होगा। लेकिन अमेठी छोड़ने का कारण क्या रहा, क्या ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, या फिर जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हार का डर था इस वजह से राहुल अमेठी से रायबरेली चले गए, इस पर सवाल किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। कैमरामैन विपिन के साथ। तो ये हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जैसा कि सुधा जी आपने अभी भी सुना भी कि कोई रिएक्शन यहां पर राहुल गांधी ने नहीं दिया है नॉमिनेशन फाइल करने के बाद। आमतौर पर होता यह है कि जब भी कोई नेता, कोई भी उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करता है तो बेहद खुशी के साथ और बेहद शक्ति प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ता है। चलिए मैं लौटूंगी सुधा जी आपके पास, लेकिन एक जवाब अवनीश त्यागी जी से ले लेते हैं। अवनीश त्यागी जी के पास हम जाएंगे, लेकिन फराज किदवई जी से पहले सवाल ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच आज एक हंगामा रायबरेली में देखने को मिला, उसे लेकर कोई आपके पास जानकारी हो, क्या वजह थी इसके पीछे फराज जी, क्यों इतना हंगामा किया जा रहा है? अगर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करने पहुंच गए? शीनम जी, देखिए अभी जिस हंगामे की आप बात कर रही हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरठ में आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा है। ये आप अपनी रिसर्च टीम से पता करवा लीजिएगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलाई हैं आज की तारीख में इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं, शीनम जी, इनका इंटरनल सर्वे है भारतीय जनता पार्टी का। आप तो इतने बड़े चैनल, आपका इतना बड़ा चैनल है, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसके हिसाब से ये 200 सीटें नहीं पा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये 20 सीटें नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब सब लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अरे साहब, ये अभी होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे 80 की 80 सीटें, मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विपक्ष की अगर सबसे ज्यादा कोई सुरक्षित सीट है तो अजय राय जी की सीट है। अजय राय जी, फराज जी, जो हमारा टॉपिक है वो जो आपने अभी भी कहा, वो मिनिस्टर साहब कह रहे थे, वो तो ये भी कह रहे थे कि राहुल गांधी को हार का डर है इसलिए भाग गए, और सोनिया गांधी लॉन्चिंग का जो मैंने जिक्र किया कि इस बार भी लॉन्चिंग फेल हो जाएगी वो भी उन्होंने कहा है। आज का ये जो टॉपिक है अमेठी और रायबरेली को लेकर खासतौर पर, तो क्यों ये सीट बदलनी पड़ी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार राहुल गांधी को? शीनम जी, देखिए हर एक पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। अभी सुधा बहन ने एक बात बोली, उसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वडोदरा के साथ साथ बनारस से इलेक्शन क्यों लड़ा? क्या उनको यह डर था कि वो वडोदरा से, क्योंकि जबरदस्त एंटी इनकंबेंसी थी कि वो हार जाएंगे, तो दो जगह से वो क्यों लड़े प्रधानमंत्री जी? अगर इतने ही ज्यादा वो कॉन्फिडेंट थे तो उनको खाली बनारस से लड़ना चाहिए था। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। अब मैं उल्टा सवाल कर दूं भारतीय जनता पार्टी से कि आपने गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों काटा? तो क्या ये सेफ सीट है फराज किदवई जी, क्या ये सेफ सीट है, सुरक्षित सीट है? लंबे वक्त से यहाँ पर कह सकते हैं हम नेहरू गांधी परिवार का कब्जा रहा है, इसलिए एक सेफ सीट दे दी गई राहुल गांधी को? किसी भी भारतीय के लिए शीनम जी 543 सीटें जो है वो सेफ सीटें हैं। ये सेफ और अनसेफ राजनीति में कुछ नहीं होता है। हम लोग भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हो रहा है, सारी सीटें सेफ हैं। उत्तर प्रदेश में आजकल 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए सेफ हैं। भारतीय जनता पार्टी, अभी होम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे थे, गारंटी किसानों की बर्बादी की गारंटी, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, गरीबी की गारंटी। तो भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, आजकल इन लोग को कुछ भी माननीय होम मिनिस्टर साहब को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए वो लौटेंगे आपके पास फराज किदवई जी। हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित फील्ड से लगातार। अमित, सवाल लेना चाहते हैं, बोलिए अमित। जी बिल्कुल, मेरा सवाल सुधा से है शीनम, कि सुबह से आज मीडिया का जमावड़ा यहां पर था, सभी राहुल गांधी का एक रिएक्शन चाहते थे कि अमेठी छोड़कर रायबरेली आने के पीछे का कारण क्या है, बीजेपी की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है इस पर आपका काउंटर पार्ट क्या होगा, या रायबरेली को लेकर आगे की आपकी रणनीति क्या है, चूंकि आपकी परंपरागत सीट रही है और आज औपचारिक तौर पर सोनिया गांधी आपको हैंड ओवर कर रही है रायबरेली, तो आप आगे का रोडमैप आपका क्या है? लेकिन मीडिया के हजार सवालों पर राहुल गांधी की एक चुप्पी थी, बगैर कुछ बोले वो गाड़ी में सवार हो गए,
यहां से चले गए। परिवार की किसी भी शख्स की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। आज एक बड़ा मौका था सुधा जी, रायबरेली के लोगों को भी संदेश देने का और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से जो सवाल किए जा रहे हैं उन सवालों का जवाब देने का, उस पर चुप्पी साध लेना कहां तक सही है? नहीं नहीं, कभी कभी चुप्पी बहुत अच्छी होती है जब जनता के सवालों का जवाब देना है। और सवाल आपके कैसे हो रहे हैं, सवाल जो उठ रहे हैं कि अमेठी छोड़ के यहाँ भाग गए, इसका क्या उत्तर होगा? अनर्गल सवालों का कोई जवाब नहीं होता है, क्यों छोड़ा? संवैधानिक आधार चाहे श्रीनम जी हो, चाहे अमित जी आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको आपके हिसाब से सवाल अनर्गल हो सकता है? एक सेकंड, ग्राउंड पर मैं मौजूद हूँ सुधा जी, आप देखिए मेरा सीधा सवाल राहुल जी से था। एक सेकंड आप सुन लीजिए, जवाब देने में आपको सहूलियत होगी। राहुल जी गाड़ी में बैठ रहे थे नॉमिनेशन के बाद, मैंने उनसे कहा कि राहुल जी आप रायबरेली में आए हैं, आपका पहला रिएक्शन नॉमिनेशन के बाद, आपकी पहली प्रतिक्रिया, इस पर भी चुप्पी साध गए? इस सवाल में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? नहीं नहीं, बस अमित जी मैं उसका उत्तर देती हूँ। जब 100 सवाल आपके होने पे हो और आप कहां से लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं इस पे हो, ना कि संवैधानिक अधिकारों पे हो, उस प्रश्न का उत्तर कहां से बनेगा? जब आपके सवाल है, अमित शाह जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अरे भाई जो कुछ भी कोई कह रहा है अपने चुनाव लड़ने के कारण कह रहा है ना, वो प्रतिद्वंदी हमारे हैं तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन उसका बेस बना के आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आप प्रश्न पूछे कि जनता के लिए क्या आवश्यक है, क्या हम करने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या रोड मैप है, इस पे सवाल का उत्तर आएगा। ये रामांकन का प्रश्न था, कोई भी जवाब नहीं दिया सुधा जी उन्होंने, किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। और देखिए चुनाव चुप्पी से नहीं लड़ा जाता, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगी सुधा जी। नेताओं का पहला काम ही होता है वक्ता होना, अपनी बात रखना, और कोई भी चुनाव चुप्पी से न लड़ा जाता है न जीता जाता है। कम से कम आप उन सवालों का जवाब मत दीजिए जो बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। लेकिन आपका रायबरेली को लेकर क्या रोड मैप है, रायबरेली की जनता को लेकर आप क्या सोचते हैं, या पूरा परिवार आज साथ में मौजूद था नॉमिनेशन के बाद, कम से कम पहली प्रतिक्रिया तो बनती थी, वो भी उन्होंने नहीं दिया, यहां से चले गए, ठीक है। लेकिन पीएम की तरफ से क्या अटैक किया गया है वो पहले सुन लेते हैं। राहुल के रायबरेली के रण में उतरने पर पीएम ने क्या कहा है वो सुनिए। पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे, और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं, मेरी बात लिख कर। तो सुना आपने अमित शाह को, रायबरेली से जहां आज राहुल गांधी ने नामांकन भरा, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो रायबरेली में दोनों उम्मीदवारों ने, इंडी गठबंधन का उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, दोनों ने नामांकन भरा है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच यहां टक्कर होने जा रही है। दोनों ने आज अपना नामांकन भरा है, आज आखिरी दिन था नामांकन भरने का, और नॉमिनेशन फाइल करते हुए दोनों उम्मीदवारों को आप देख सकते हैं। तो रायबरेली में सियासी रण और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। राहुल गांधी ने पर्चा भरा है और दिनेश प्रताप सिंह ने भी नामांकन भरा है।